कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और दीगर के इंतहाबी नेताज के दस्तावेजात फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा की 79 उम्मीदवार तैमूर सलीम झगड़ा, पीके 82 कामरान बंगश, महमूद जान, अली जमान मलिक, शहाब आसम खान, हामिदुल हक, अरबाब जानदान के इंतहाबी नतज के मुसदका दस्तावेजात फराहमी के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी है। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने जो तैमूर सलीम झगड़ा है पीटीआई के और दीगर रहनुमा है उनकी दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन से 7 मार्च तक जवाब तलब किया है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालत को बताया कि जितने भी दरख्वास्त गुजार है पेशावर से वो उम्मीदवार थे मुख्तलिफ सूबाई और कौमी हल्कों पर, उनकी अभी तक जो नतज के फॉर्म 45, 47, 48 और 49 है वो अभी तक दरख्वास्त गुजारों को फराहम नहीं की गई है इलेक्शन कमीशन की जानब से। लिहाजा हमें मुसद्दिका जो नतज है वो हमें जो दस्तावेजात है वो हमें फराहम की जाए ताकि हम ट्रिब्यूनल में अपना जो केस है वो लड़ सके, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया और 7 मार्च तक मजीद समाअत वो मुलतवी कर दी।